नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, अब इंतजार की गिड़िया खत्म हुई। माणिकपुर पुलिस स्टेशन, जो कि लंबे समय से उद्घाटन का इंतजार देख रहा था, राह देख रहा था, उसके उद्घाटन की तैयारियां शुरू हो गई है और तारीख का ऐलान हो चुका है। कल 2 जुलाई को रविवार को सुबह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों इस पुलिस स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि पिछले लंबे समय से माणिकपुर पुलिस स्टेशन किराए के गालों में चल रहा था और उसको शिफ्ट किए जाने की मांग शुरू थी, जिस पर बाद में पुलिस आयुक्तालय होने के बाद में पुलिस विभाग द्वारा अंबाड़ी चौकी, अंबाड़ी पर स्थित परिवहन चौकी जो थी, यातायात चौकी, उसको हटाकर वहां पर नए सिरे से माणिकपुर पुलिस स्टेशन अच्छे से बनाया गया। और पिछले करीब 3-4 महीने पहले यह पुलिस स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है, तब से उद्घाटन की राह दिख रहा है। बीते दिनों अप्रैल महीने में जब ईद थी, तब भी ऐसा सुनने में आया था कि उद्घाटन होने वाला है, लेकिन बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ और जो कोई मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि है, उनके अपॉइंटमेंट तारीख नहीं मिल पाई, जिससे कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन अब यह कार्यक्रम जाहिर हो चुका है और कल, जैसा मैंने अभी आगे बताया, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसका उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले ही इस उद्घाटन पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सवाल यह है कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कल 2 जुलाई को भाईंदर आएंगे, कुछ अलग अलग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और वहीं से फिर ऑनलाइन माणिकपुर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। तो यही बात लोगों को अखर रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि जब भाईंदर से वसई विरार की दूरी कुछ मिनटों की है, तो ऐसे में उपमुख्यमंत्री वसई क्यों नहीं आ रहे हैं और वहीं से भाईंदर से ही ऑनलाइन उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं। यह खबर है लोकसत्ता की, जो लोकसत्ता ने यह खबर 29 जून को छापी है, जिसमें लोकसत्ता ने भी यही सवाल उठाए हैं और अभी यही सवाल वसई विरार की आम आदमी पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों ने वसई मणिपुर पुलिस स्टेशन जो नया बना है, उसके प्रांगण में जाकर एक वीडियो बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने निषेध व्यक्त करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब भाईंदर तक आ सकते हैं तो वसई क्यों नहीं आ रहे, और ये उपमुख्यमंत्री द्वारा वसई के साथ भेदभाव है। तो कहीं न कहीं यह सवाल उठना लाजिम था। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यक्रम की व्यस्तता हो सकती है, हम जानते हैं कि बड़े लोग हैं, उनकी कार्यक्रम की व्यस्तता हो सकती है, लेकिन लंबे समय से ये उद्घाटन अटका हुआ था और इस उद्घाटन के लिए अब मुख्यमंत्री का खुद वसई नहीं आना अपने आप में सवाल पैदा कर रहा है। वीडियो में आप आगे सुनिए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्ते वसई विरार के लोगों, यहाँ पे हम आम आदमी पार्टी के लोग आज जो ये तैयारी चल रही है, इसके बारे में कुछ बात करने आए हैं और इसके साथ ये भी बताने आए हैं कि ये जो काम है, जो कल एक उद्घाटन होने वाला है यहाँ पे मणिपुर पुलिस थाने का। तो दोस्तों, 2 दिन पहले हमने न्यूज़ में ये पढ़ा कि मणिपुर पुलिस थाने का उद्घाटन में देरी हो चुकी है। देरी की वजह यह है कि देवेंद्र फडणवीस जी के पास वसई विरार आने का टाइम नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस जी आप पालघर आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और कार में बैठ के चल देते हैं, मगर वसई विरार आपको आने का फुर्सत नहीं है। आपको यह सोचना चाहिए कि ऑलरेडी आप देर कर चुके हैं इस मणिपुर थाने के उद्घाटन में। मणिपुर थाना जो कि 4-5 महीने से आपका इंतजार कर रहा है, वसई विरार के लोग 4-5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, मगर देवेंद्र फडणवीस जी नहीं आते हैं। इससे यह बात साबित होता है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो कि गृह मंत्री के पोस्ट पे हैं, उनको वसई विरार के लोगों की सेवा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए शायद वो नहीं आते। वो मीरा भाईंदर और बाकी जगह तो आना चाहते हैं, मगर खाड़ी पार करके वसई आने में उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो कुल मिला के इस वीडियो को बनाने का वजह यह है कि लोगों को बताना कि देवेंद्र फडणवीस जी का जो इंटरेस्ट लेवल क्या है वसई विरार के लिए, ये सबको पता चलना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी, आपको मालूम होना चाहिए कि वसई विरार में आजकल अपराध की घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। यदि आप यहाँ पे खुद आते उद्घाटन करने के लिए, तो पुलिस की व्यवस्था और थोड़ी चुस्त दुरुस्त होती और वसई विरार के लोगों को भी अच्छा लगता, मगर आप नहीं आए। देवेंद्र फडणवीस जी, मैं रवि भूषण, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, कुछ दिन पहले ही हाईवे पे व्यापारी के ऊपर एक बड़ी ही
बड़ा ही बुरा हमला किया हुआ था और पूरे व्यापारियों में एक दहशत का वातावरण फैलाने की कोशिश की गई थी। तो इस समय वसई विरार आपका इंतजार कर रहा है देवेंद्र फडणवीस जी, आप यहाँ आइए और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए। आपका यहाँ नहीं आने से जो हमारी पुलिस विभाग है उसका मनोबल तो डाउन होता ही है, और यदि ये जो आपने सोचा है कि रिमोट कंट्रोल के थ्रू आप यहाँ का उद्घाटन कर देंगे, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। आपको यहाँ का वोट चाहिए, आप 30 लाख लोगों की जनता को आपको सम्मान करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे विजिट भी करना चाहिए। इसके साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है ये काफ़ी छोटी जगह पर बनाया गया, आप इसको देख सकते हैं, ये पुलिस स्टेशन सफिशेंट नहीं है। देख सकते हैं दो तल्ले का है, होना तो ये चाहिए कि ये पुलिस स्टेशन एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में होनी चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस जी, अभी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, वो तो नगर विकास मंत्रालय भी वही संभाल रहे हैं ना, और नगर विकास मंत्रालय उद्धव ठाकरे साहब के टाइम से संभाल रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी ने क्यों पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं कराई पुलिस के लिए? इससे साबित होता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के साथ साथ एकनाथ शिंदे जी को भी वसई विरार की जनता की सेवा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एकनाथ शिंदे जी, आपके पास पूरा डिटेल्स अवेलेबल है कि कहाँ पे कितनी जमीन मौजूद है, कौन सा भूमाफिया कहाँ पे किस तरह का जमीन घेर रहा है, मगर जब पुलिस के लिए हॉस्पिटल के लिए जमीन देने की बात आती है तो एकनाथ शिंदे जी आप बगले छापने लगते, लेफ्ट और राइट में छापने लगते हैं। एकनाथ शिंदे जी आप भूमाफियाओं के साथ अपनी दोस्ती बहुत निभा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप भूमाफियाओं के साथ कार में बैठ के बहुत अच्छा घूम रहे हैं, मगर आप वसई विरार की जनता के लिए आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है, यह बहुत दुखदायक है। भाजपा के मेरे नौजवान मित्रों, आपको भी ये कहना चाहूँगा, अपने नेता के साथ ये डिमांड कीजिए कि फेक सपोर्ट ना करें वसई विरार के लोगों के लिए, फेक सेवा की भावना दिखाए, सच्ची सेवा की भावना दिखाए और वसई विरार नाला सुपारा में आकर देखें कि हमारी क्या हालत है। धन्यवाद। मैं सुमित आनंद, आम आदमी प्रवक्ता वसई विरार। आज मैं कहना चाहता हूँ मानिकपुर पुलिस संघ का उद्घाटन होने वाला है और देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री महाराष्ट्र के हैं वो भाईंदर तो आ रहे हैं लेकिन वसई विरार नहीं आ रहे। भाईंदर आके रिमोट कंट्रोल से ऑनलाइन ये मानिकपुर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करना चाहते हैं। वो यहाँ नहीं आकर यहाँ 30 लाख की जनता का तो अपमान कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ के पुलिस प्रशासन का मनोबल भी तोड़ रहे हैं। अगर वो यहाँ आते अपना कीमती समय निकाल कर तो जहाँ यहाँ की जनता उनका सम्मान करती, जनता के दिल में अपना जगह बना पाते, वही पुलिस का मनोबल मजबूत होता तो अपराधियों के अपराध पे नियंत्रण होता। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।